भाई प्लेटिना बिल्कुल भी नहीं बिके यार दिसंबर में। कुछ तगड़ा ही इंट्रो हो गया भाई। खैर हेलो भाई, मैं अंकित। दिसंबर का महीना सारी गाड़ियों के लिए इतना बुरा रहा ना, पूछो मत। ना प्लेटिना बिकी है, ना एसपी बिकी है, ना अपाची बिकी है, ना क्लासिक 350 बिकी है, ना यूनिकॉर्न बिकी है। सारी गाड़ियों का हाल बेहाल है। आज वाले वीडियो में अपन 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं दिसंबर महीने की। कल मैंने आपको 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली टू व्हीलर के बारे में बताया था। वीडियो में भरपूर मजा आने वाला है। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस भी जानेंगे। पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्व वेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, ये सब चीज तो जानेंगे ही जानेंगे। इसलिए फिर से बोलना चाहूंगा, स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो 10th नंबर पे आई है होंडा की यूनिकॉर्न, लेजेंड बाइक है। इस गाड़ी के दिसंबर में 17,521 यूनिट बिकी है, जबकि नवंबर में ये आंकड़ा 20,146 यूनिट का था। मतलब 2625 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने यूनिकॉर्न की। खैर यूनिकॉर्न अगर आप लेना चाहते हो तो 1,31,685 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है हमारे यहाँ बिहार सासाराम में ऑन रोड। पावर अगर मिलता है 13.27 bhp का, टॉर्क मिलता है 14.58 nm का, माइलेज 50 तक मिल जाता है, इसके अलावा 140 kg का कर्वेट मिल जाता है, चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके अलावा 106 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। एक भाई से इंस्टाग्राम पे बात हो रहा है, उनका नाम फैज खान करके है, आप चैट वगैरह देख सकते हो। उन्होंने पूछा कि भाई 1.5 lakh के अंदर कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तो मैंने उनको सजेशन दिया कि यामाहा की FGS ले लो भाई, वो परफेक्ट है। फिर उन्होंने पूछा यूनिकॉर्न कैसी है, तो मैंने बता दिया भाई यूनिकॉर्न के बारे में, इसमें फीचर्स वगैरह नहीं मिलता बिल्कुल भी। उन्होंने बोला फीचर्स से मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे फैमिली के लिए बाइक चाहिए और लगभग मैं 5 साल चला सकूं। तो मैंने उनको 2-3 गाड़ी सजेशन दिया भाई, जैसे SP160 भी बताया, यूनिकॉर्न भी बताया और FGS भी बताया। अब देखो वो कौन सी बाइक खरीदते हैं भाई, अब तो फोटो वगैरह भेजेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर आपको इंटरेस्ट हो इंस्टाग्राम यूज करने में या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना यार। इंस्टाग्राम पे बात करने में मुझे मजा आता है, खुल के बात होता है ना, ऐसे कमेंट सेक्शन में मतलब मजा नहीं आता। इसीलिए अगर किसी भी भाई को मुझसे बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं बेफिक्र एकदम। खैर 9th नंबर पे आई है क्लासिक 350। ये रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट है भाई। ये पहली 350cc की बाइक है जो टॉप 10 बाइक में आती है यार, बहुत बड़ी बात है। इस गाड़ी की 21,234 यूनिट बिकी दिसंबर में, जबकि नवंबर में 30,264 यूनिट बिकी थी। मतलब 9,030 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये गाड़ी 2,24,371 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। इसमें पावर अपने को मिलता है 20.2 bhp का, 27 nm का टॉर्क, 35 तक माइलेज मिल जाता है, 195 kg इसका कर्वेट है, इसके अलावा 15 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 114 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है इसमें। बाकी 8th नंबर पे आइए अपाची सीरीज। यहां पे मैं आपको ऑलमोस्ट सारे अपाची का बताऊंगा कंबाइन करके। सबकी कंबाइन 21,506 यूनिट बिकी है, जबकि नवंबर में बिकी थी 41,025 यूनिट। मतलब 19,519 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अपाची सीरीज की। भाई यार कितने मुश्किल से ये सीरीज 40,000 का आंकड़ा पार कर रहा था, लेकिन अब बताओ 21,000 पे आ गए। अब देखते हैं जनवरी में क्या होता है इस सीरीज का। हालांकि एक जमाने में मेरे को याद है अपाची सीरीज भाई 60,000-70,000 यूं ही बिक जाया करती थी, लेकिन आज के डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना भाई, इसीलिए लोग बाग नहीं खरीद रहे उतना। खैर 1,48,143 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है अपाची RTR 164B। उसमें पावर मिलता है 17.31 bhp का, टॉर्क मिलता है 14.73 nm का, माइलेज वगैरह मिल जाता है 45 तक, इसके अलावा 144 kg का कर्वेट है, 5 से ज्यादा कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 114 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। कंपनी 114 तक ही क्लेम करती है, लेकिन लोग बाग तो भाई 125 तक भी भगा देते हैं। खैर 2nd नंबर पे आई है प्लेटिना, जिसको लेके मैं स्टार्टिंग में रो रहा था। इस गाड़ी की नहीं यकीन करोगे, मैं बता दूं कितना बिकी है भाई। यार मैं बहुत ही सैड हूँ प्लेटिना को लेके। इसकी मात्र 26,166 यूनिट बिकी है भाई, मात्र 26,166, जबकि नवंबर में 60,607 यूनिट बिकी थी। मतलब 34,441 गाड़ियों का गिरावट, 34,441, बाप रे बाप है, आधा से भी कम बिकी है भाई प्लेटिना नवंबर के मुकाबले दिसंबर में। खैर अगर आप प्लेटिना 110 लेना चाहते हो तो 83,280 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर मिलता है 8.48 bhp का, 9.81 nm का टॉर्क है, 70 प्लस अपने को माइलेज मिल जाता है अगर आप प्यार से चलाओ तो, करवट मिलता है 123 किलो का ABS वाले मॉडल का, 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी टॉप स्पीड वही 100 तक आप खेल सकते हो अगर आप भगाने वाले बंदे हुए तो। हालांकि 100 पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता भाई, इस गाड़ी को मैंने भगाया है लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो ये चीज देख लेना। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर पे आई है हीरो की पैशन सीरीज। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, पैशन एक्सटेक और पैशन प्लस, दोनों कंबाइन 33,551 यूनिट बिकी दिसंबर में, जबकि नवंबर में बिकी थी 34,750 यूनिट। लगभग 1,199 गाड़ियां कम बिकी है पैशन की। पैशन एक्सटेक अगर आप लेते हो तो 95,914 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर उसमें मिलता है 9 bhp का, 9
9.79 Nm का टॉर्क है, 57 से लेके 60 के बीच में आपको माइलेज मिल जाता है। इसके अलावा 117 किलो उसका कर्वेट है, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 90 प्लस अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है, 100 तक टच हो जाएगी मेरे हिसाब से। एक भाई ने मेरे पास कमेंट करा था कि पैशन प्लस से ज्यादा मेरे को अच्छा पैशन एक्सट्रेक लगता है। मेरे को भी अच्छा लगता है भाई पैशन एक्सट्रेक, लेकिन उसका इंजन जो है ना वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर अब आते हैं टॉप 5 में भाई। 5th नंबर पे आई है TVS रेडर। इस गाड़ी की 39,443 यूनिट बिकी है दिसंबर के महीने में, जबकि नवंबर में बिकी थी 39,829 यूनिट। लगभग 386 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले। इस महीने 1,11,443 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है TVS रेडर ऑन रोड। पावर अगर मिलता है 11.2 BHP का, 11.2 Nm का टॉर्क है, 55 से 60 के बीच में माइलेज मिल जाता है, 123 किलो का कर्वेट मिल जाता है, 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 99 KMPH का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। लोग बाग तो 120 तक भी टच करा देते हैं। बाकी 4th नंबर पे आई है HF डिलक्स। ये हीरो मोटोकॉर्प की प्रोडक्ट है, इसका भी बहुत ही बुरा हाल है भाई। इसकी 61,056 यूनिट बिकी है। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 61,056 यूनिट, जबकि नवंबर में 116,421 यूनिट बिकी थी, मतलब 55,365 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले। इस महीने HF डिलक्स आपको 69,246 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। लगभग टॉप वेरियंट लेने के लिए आपको 80,000 रुपए देना पड़ेगा। पावर अगर इसमें मिलता है 7.91 BHP का, 8.05 Nm का टॉर्क है, 65 तक माइलेज मिल जाता है, अप्रोक्स 110 किलो कर्वेट है, 11 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 85 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आई है शाइन SP125 और शाइन 100। तीनों कंबाइन 85,144 यूनिट बिकी है मात्र, जबकि नवंबर में 155,943 यूनिट बिकी थी। लगभग भाई 70,799 गाड़ियां कम बिकी है, 70,799 गाड़ियां, बाप रे बाप है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग सेल्स करके बताऊं तो लगभग SP125 और साइन 125 78,016 यूनिट बिकी है, और साइन 100 अकेली 7,128 यूनिट मात्र बिकी है। अगर आप SP125 आज के रेट में लेना चाहते हो तो 1,222 रुपए तक मिल जाती है। पावर अगर उसमें मिलता है 10.22 BHP का, 10.9 Nm का टॉर्क है, 65 से 70 के बीच में माइलेज मिल जाता है, इसके अलावा 116 kg कर्वेट है, 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 100 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 2nd नंबर पे आई है पल्सर सीरीज। यहाँ पे मैं आपको सारे पल्सर का सेल्स बताऊंगा भाई। 2nd नंबर पे हरदम होंडा की साइन सीरीज आया करती थी, लेकिन यहाँ पे आज देखो पल्सर आई है। इसकी दिसंबर में 106,734 यूनिट बिकी है, जबकि नवंबर में 130,403 यूनिट बिकी थी, मतलब 23,669 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने पल्सर सीरीज की। यहाँ पे अपन NS200 के बारे में जान लेते हैं। 166,623 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। पावर अगर मिलता है 24.13 BHP का, 18.74 Nm का टॉर्क है, 35-36 तक माइलेज मिल जाता है, 160 kg का कर्वेट मिल जाता है, 8 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 123 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आइए यहाँ पे स्प्लेंडर सीरीज। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, स्प्लेंडर प्लस और सुपर स्प्लेंडर। दोनों कंबाइन 227,748 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि नवंबर में 250,786 यूनिट बिकी थी, मतलब 23,038 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अगर मैं आपको अलग अलग सेल्स करके बताऊं तो स्प्लेंडर अकेली बिकी है भाई 219,873 यूनिट, वहीं सुपर स्प्लेंडर बिकी है 7,875 यूनिट मात्र। यहाँ पे अपन स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के बारे में जान लेते हैं। वो 93,906 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। पावर अगर मिलता है 7.91 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.05 Nm का, माइलेज अपने को 60 तक मिल जाता है, इसके अलावा 112 किलो का कर्वेट है, 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 87 KMPH तक टॉप स्पीड मिल जाता है। स्प्लेंडर प्लस नॉर्मल वाले भी मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, और ये एक्सटेक तो उससे भाई महंगी ही है। 93,906 रुपए देना 100cc बाइक के लिए बेवकूफी है भाई। यहाँ पे हम सभी ने भाई 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जान लिया दिसंबर महीने के। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। जय हिंद सभी को।